हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात से शुरू करने जा रही हूँ। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरे टाइफाइड वाले वीडियो पे अभी भी लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैंने टाइफाइड पे 2 से 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें सभी तरह के जो बातें मुझे मेंशन करनी थी मैंने वो सभी बातें मेंशन की हुई हैं। लेकिन अब हर वीडियो में अलग से चीज़ इंक्लूड करना बाकी के लोगों के लिए शायद बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप लोग हो सके तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप लोगों को आसानी से वो तीनों वीडियोस मिल जाएं और आप बिल्कुल उनको फॉलो कीजिए, आपको बिल्कुल लाभ होगा। मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, उन्हें भी इससे लाभ हुआ है, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंट होकर आप लोगों से बोल रही हूँ। तो ये हो गई मेरी ज़रूरी बात। और आप लोग जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाइए, जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। और एक चीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मेरी रेमेडी फ़ायदा कर रही है तो प्लीज़ आप लोगों को अगर किसी से पता चलता है कि किसी को इस तरह की कोई बीमारी है या वो भी परेशान है तो उन्हें ज़रूर बताइएगा, ओरली उनको ज़रूर सलाह दीजिएगा कि वो भी घरेलू रेमेडीज़ फॉलो करें। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो स्टे हेल्दी। ओली, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हेलो एवरीवन। अभी भी नहीं अच्छी आ रही है? ओह टिगर, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो वेलकम टू माय चैनल हो गया, चलो जल्दी जल्दी हम लोग बर्थडे प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आज मैंने काम तो बहुत सारे किए हैं लेकिन वीडियो सबकी नहीं ले पाई हूँ क्योंकि 1 मैन आर्मी है मेरी। अकेले ही सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, चाचा पापा इसके ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं दुकान की वजह से और घर की बाकी चीज़ें भी उन्हें देखनी होती हैं। तो बस उत्कर्ष ही हैं जो कि ये बोल देते हैं कि मम्मा मेरा तो बर्थडे है, मैं कैसे आपकी मदद कर दूँ, मैं ही अपने बर्थडे की तैयारी थोड़ी करूँगा। लेकिन मैं बहला फुसला के उसकी हेल्प ले लेती हूँ और काफ़ी कुछ किया है। अभी से शुरुआत इसलिए कर दी है क्योंकि कुछ पुरानी चीज़ें भी रखी हुई हैं, वो भी मुझे रीयूज़ करनी होती हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको संजो कर रखती हूँ तो वो हर साल कहीं ना कहीं यूज़ होती चले, तो अच्छा भी लगता है। और उत्कर्ष को जब पता चलता है कि ये मम्मी ने मेरे लिए तब बनाया था जब मैं इतना बड़ा था, तो उसे और भी अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होता है। तो पहले पुरानी चीज़ें एक बार सब में अरेंज हो जाएं, फिर कितना स्पेस बचता है, क्या क्या चीज़ें और मंगानी पड़ेंगी, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। और आज उत्कर्ष का केक खाने का मन था तो मैंने झटपट सूजी का केक बना दिया उसके लिए और वो बहुत खुश है। तो मेहनताना उसको मैंने जो है चॉकलेट केक दिया है बनाकर। दोस्तों, ये मैंने कुछ अभी पुरानी चीज़ें साफ करके लगा दी हैं और ये मैंने जो है अपने हाथों से बनाया था उत्कर्ष के फर्स्ट बर्थडे में, तो इस बार इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है
और कुछ कुछ पुरानी ही चीजों को बस साफ सुथरा करके क्लीन करके उसे ठीक ठाक कर दिया है, बाकी आगे अब हम कल करेंगे। सो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब उल्टा पुल्टा बोल दिया। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।